बच्चों को 5 आसन जरूर करा, शीर्षासन ऐसे एक एक कर उठाते आराम आराम से। ऐसी करना, कुछ भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ बहनें भी, हमारी बहनें भी बहुत अच्छा करती हैं। ऐसे भाई बहनों को योग आना चाहिए, करना चाहिए। बहनों के लिए मात्र 3 दिन जो उनके मासिक धर्म के होते हैं, 5 दिन मान लो, उस दौरान कठिन आसन नहीं करने चाहिए, बाकी दिनों को आराम से कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष योगाभ्यास, यहाँ तो गर्भ संस्कार की विशेष व्यवस्था की है, उसके संदर्भ में थोड़ा आपको बताएं। फिर सर्वांगासन, ट्राई तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, कुछ तो भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं। दोनों हाथ पार्श्व भागों से उठाओ, आगे झुक जाओ, पश्चिमोत्तान आगे झुक के माथा घुटनों से लगाओ। ये बच्चों के लिए बता दिए, बच्चों की हाइट बहुत अच्छी होगी, बच्चों को सूर्य नमस्कार भी करो ना, और ये 5 आसन करो।